हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है सोमदत्त स्पेशल बायोलडी तो बच्चों आज से हम ट्वेल्थ एनसीआर का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे दैट इज रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन इन इन फ्लावरिंग फ्लावरिंग प्लांट्स प्लांट्स सो लेट्स स्टार्ट अच्छे से देखना रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स देखो बच्चों रिप्रोडक्शन माने क्या एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है जिसमें ऑर्गेनिजम्स गिव्स राइज टू यंगम्स और ऑफ स्प्रिंग कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा तो वो क्या करेगा अपस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा राइट right. अब ये प्रोसेस हमने पहले वीडियो में देखी है तो उसको आप देख सकते हो अब यहाँ पे हमको देखते हैं रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट का इसमें फ्लावरिंग प्लांट में कैसे रिप्रोडक्शन होता है फ्लावर जरूरी रिप्रोडक्शन के लिए फ्लावरिंग प्लांट में जो ऑर्गन जरूरी होता है वो है फ्लावर तो फ्लावर की भी बात करेंगे देखो तो एक बात जरूर याद रखो रिप्रोडक्शन के लिए रिप्रोडक्शन होने के लिए पहले तो जरूरी है फर्टिलाइजेशन होना इसका मतलब क्या uh, का होना होता है लेकिन उससे पहले भी कुछ एक uh, कुछ एक कुछ इवेंट होता है उसे फर्टिलाइजेशन बोलते हैं तो उसकी भी बात करेंगे तो मोस्टली रिप्रोडक्शन के लिए तीन चीजें जरूरी है प्री फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन तो प्री फर्टिलाइजेशन देखते हैं क्या प्री प्रीमिन बिफोर क्या है प्री प्रीमिन बिफोर बिफोर फर्टिलाइजेशन अभी प्री फर्टिलाइजेशन मीन्स बिफोर है तो इसमें क्या आते हैं देखो दो जरूरी चीजें हैं इसमें एक एक चीज है स्पोरोजेनेसिस स्पोरोजेनेसिस एंड अनदर वन दैट इज गैमेटोजेनेसिस गैमेटोजेनेसिस इसमें क्या होता है स्पोरोजेनिस जेनेसिस में द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पोर यहां पे क्या होगा द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट तो जो फ्लावर है उसमें क्या होगी उसमें क्या चेंजेस होने वाले हैं ये भी हम इसमें देखेंगे डिटेल में राइट right? तो पहले तो हमको ये जानना पड़ेगा कि ये फ्लावर क्या चीज होती है तो फ्लावर का स्ट्रक्चर देखेंगे इसमें हमें कुछ स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स देखने हैं स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स तो इसमें पहले हम देखेंगे फ्लावर क्या है राइट right? फ्लावर का स्ट्रक्चर देखते हैं फ्लावर क्या है फ्लावर को हम बोलते हैं मॉडिफाइड कंडेंस्ड कंडेंस्ड रिप्रोडक्टिव शूट क्या बोलेंगे इससे मॉडिफाइड कंडेंस रिप्रोडक्टिव शूट अगर ये मॉडिफाइड है तो किस प्रकार कहां से मॉडिफाई होकर बना है ठीक है तो आपको पता है छोटा सा सीड होता है सीड जब जर्मी होता है तो बड़ा सा प्लांट रेडी रहता है या, या प्रोड्यूस होता है लेकिन यहाँ पे जब प्लांट प्रोड्यूस होगा तो वहां पे लीफ आएंगे स्टेम्स पहले तो शूट आएगा फिर रूट शूट फिर उसके बाद लीफ आएंगे फिर उसके बाद फ्लावर तो फ्लावर जहां पे प्लांट रिप्रोडक्टिव फेज में जाएगा इसका मतलब है मैच्योर होने लगेगा तभी क्या होगी uh, होंगे तो फ्लावर प्रोड्यूस होने लगेंगे तो ये फ्लावर किस प्रकार मॉडिफाई uh, होके बनते हैं तो ये हमें जानना है तो मॉडिफाइड है तो किस प्रकार देखो मॉडिफाइड का मतलब है यस ए एम ट्रांसफॉर्म इन टू एफ पी तो ये क्या है शूट अपाइकल मेरिस्टेम्स देखो ये क्या है शूट अपाइकल मेरिस्टेम्स ट्रांसफॉर्म इन टू फ्लोरल प्राइमोरडियम तो इसे क्या हम बोलते हैं फ्लोरल प्राइमोरिडियम फ्लोरल प्राइमोरिडियम ठीक है हम क्या बोलेंगे शूट शूट अपाइकल मेरी स्टेम अब यह देखो ना जरूरी है आपको ही, ये होता का शूट माने आपको बताया स्टेम या शूट भी बोल सकते हैं तो इसका अपेक्स का पार्ट है तो देखो अगर फ्लावर की बात करें समझो ये एक प्लांट है और ये इस प्रकार इसमें कुछ इस प्रकार लीफ है और ये इसका अपेक्स का, का पार्ट है तो समझो यहाँ पे फ्लावर आ गया ठीक है तो यहाँ पे अगर फ्लावर आता है तो फ्लावर कैसे मॉडिफाई होगा पहले तो यहाँ पे कई कुछ नहीं था कुछ तो होगा यहाँ पे पहले अपेक्स पे तो पहले अपेक्स में कुछ ऐसे बर्ड लाइक आउटग्रोथ आएगा या फिर प्राइमोरडियम बोलते हैं उसे है ठीक है तो उसे हम अर्ली रिकोगनाइेबल स्टेज बोलेंगे तो मोस्टली प्राइमोरडियम क्या है ियम क्या है देखो अर्ली रिकोगनाइजेबल स्टेज राइट क्या बोलेंगे हम इसे अर्ली रिकग्नाइजेबल स्टेज सबसे पहले जो स्टेज है फ्लावर फॉर्मेशन होने में या फ्लावर मॉडिफाई होने में तो मॉडिफाई होना तो मॉडिफाई होते हैं तो कहां से होते हैं शूट अपाइकल मेरिस्टम्स कन्वर्ट का फ्लावर फ्लोरल प्राइमोरियम में तो किस प्रकार तक हो समझो ये है अपेक्स ठीक है प्लांट का अपेक्स है या फिर शूट अपाइकल मेरी स्टेम है तो यहाँ पे कुछ चेंजेस होने वाले हैं वही मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा तो इसे अच्छे से देखना है ठीक है ओके देखो यहाँ पे मैं दिखाता हूं आपको आपको दिख रहा है यहाँ पे आ, दिख नहीं रहा है तो मैं थोड़ा सा रफ करके आपको दिखाता हूं यहाँ पे तो आपने देखा होगा रिकोगनाइजेबल स्टेज ये आपने लिखा होगा देखते हैं अब क्या एग्जैक्टली डिफरेंस होता है राइट मॉडिफाई होना यानी क्या होना देखो ये है ऐसा शूट का पार्ट है आ, शूट अपल बेरिस्टम का पार्ट है ये मॉडिफाई हुआ है तो ये पहले रिकग्नाइजेबल स्टेज क्या होगी देखो यहाँ पे इस प्रकार होगी छोटे ऐसे आउटग्रोथ देखेगी इसका मतलब है ये बर्ड है छोटे से ठीक है ये है प्राइमोरियम इसे बोलते हैं हम फ्लोरल प्राइमोरियम राइट अब इसमें ये जो बीच का पार्ट है बेटा राइट right? तो बीच का पार्ट यहाँ पे मैं ऐसे कलर करता हूं जैसे ये रेड कलर का है ये प्रकार, ये प्रकार, रेड कलर का, ठीक है थीके? यहाँ पे भी एक पार्ट है इसको मैं ब्लू कलर से ठीक है एक व्हाइट है और एक ब्लैक राइट तो यहाँ पे ये जो पार्ट है जहाँ पे मैंने ये दिखा है शूट में ऐसा जो रिकॉग्नाइजेबल स्टेज है यहां से बनेगा बेटा कारपेल क्या बनेगा कारपेल तो कार्पेल को हम मोस्टली जो भी वर्ल्स होता है या फिर ग्रुप ऑफ कार्पेल को हम क्या बोलेंगे गाइनोशियम तो वो आगे हम देखेंगे डिटेल में यहां से बनेगा या यहां से मॉडिफाई होके बनेगी कार्पेल यहां से जो है छोटा सा अनुरोध इससे बनेगा एंड्रोशियम क्या बनेगा एंड्रोशियम या फिर उसे क्या बनेगा स्टेमिन क्या बोलेंगे स्टेमिन ठीक है स्टेमिन के बाद यहां पे ये है पेटल ये क्या हो यहाँ से पेटल बनेगा और यहाँ पे यहाँ से सेपल्स ठीक है अब ये थोड़ा सा ग्रो हुआ तो ग्रो होने के बाद क्या होगा इस तरह से हमें राइट कुछ इस प्रकार ठीक है कुछ इस प्रकार देखेगा तो ये प्राइमोरिया क्या हुआ डेवलप होते जा रहा है अब यहाँ पे आपको नजर आएगा ठीक है यहां पे मैं रेड कलर से ये थोड़ा सा इस प्रकार इसको सिर्फ ध्यान में रखो यार ठीक है इस प्रकार है। समझ में आ रहा है ठीक है और इसको मैंने थोड़ा सा ये कलर ब्लू कलर ब्लू से इसको थोड़ा सा ठीक है तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपको समझ में आ रहा है इसकी ग्रोथ ग्रोथ हुई और ग्रोथ के बाद आपको क्या दिखता है यहाँ पे यहां से क्या होगा ग्रोथ कार्पेल होगा तो ये जो स्टेमन आपको नजर आ रहा है यहां से स्टेमन होगा पेटल और ये रही सेपल तो इस प्रकार जो है बेटा इस प्रकार फ्लावर मॉडिफाई होगा यहां से तो इसे कंडेंस्ड बोलेंगे हम तो कंडेन्स्ड क्यों बोलेंगे समझो यहां से मॉडिफाई होकर एक फ्लावर बना है तो फ्लावर कैसे देखो फ्लावर बनेगा समझो ये है और यहां पे नोड इंटरनोड होते हैं तो अभी मॉडिफाई तो हो रहा है लेकिन कंडेंस कैसे बोलेंगे अभी यहां पे समझो ये नोड है और नोड इंटरनोड आपको पता है इससे समझो यहाँ पे एक नोड है ये इंटरनोड सो यहां से बनेगा क्या कार्पेल ठीक है यहां से बनेगा कार्पेल समझो यहां से एक कार्पेल बना उसके बाद उसके बाद आ, पेटल समझो ठीक है तो ऐसा समझो कि अगर हमने इसको प्रेस किया तो प्रेस करने के बाद ये ये कंडेंस हो जाएगा नोड ऐसे कंडेंस हो जाएगा तो यहाँ पर ये छोटे छोटे दिख रहे हैं ना आपको ये छोटे छोटे ये कंडेंस हो गए तो थैलमस हम आगे जाके फ्लावर का पार्ट देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस प्रकार कंडेन्स होके ये नोड कंडेन्स होके क्या बना है

का भी एक पार्ट आता है वहां पे जैसा यहाँ पे हम देखेंगे तो शूट से यानी ग्रुप ऑफ फ्लावर भी बनेंगे होके, फ्लोरल तो वो भी एक चीज है लेकिन आपको ये इतना जरूर समझना है कि मॉडिफिकेशन कैसा होता है तो इस तरह से मॉडिफिकेशन होगा ये बहुत डेवलप होते जाएगा और फिर क्या बनेगा फ्लावर तो कार्पेल स्टेमिन पेटल एंड सेपल्स ये बनेंगे इसकी इसके वजह से इसे हम बोलते हैं मॉडिफाइड रिप्रोडक्टिव शूट अब बोलेंगे क्योंकि इसमें जो स्टेमिनपेल होते, होते हैं or इसे हम क्या बोलेंगे एसेसरी सिर्फ प्रोटेक्शन का, का काम करते हैं तो इसेंशियल जो मैंने दिखा है रेड और ब्लू कलर में से तो अब ये फ्लावर में कैसे कन्वर्ट होंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं फ्लावर हमें ज्यादा से ज्यादा निकलना है फ्लावर तो हमको थोड़ा सा फ्लावर निकालना तो अः हम इसके बाद हम फ्लावर देखते हैं किस प्रकार फ्लावर की ग्रोथ हुई होगी तब और अब इसकी और भी ग्रोथ होगी तो कि ये कैसा दिखेगा इस प्रकार दिखेगा से कार्पेल बनेगा फिर यहाँ से स्टेमिन ग्रो करेगा फिर ये पेटल रहेगी फिर ये सेपल रहेगी यहाँ से भी ये इस प्रकार तो ये ग्रोथ होती ही जाएगा और फिर इस तरह से बनेगा राइट बेटा तो ये आगे हम देखते हैं कि फ्लावर का स्ट्रक्चर हम आगे देखते हैं ठीक है बने रहिएगा ऐसे ही बने रहेगा अभी इसको आपने नोट डाउन किया होगा ये समझ में आया आपको अब हम देखते हैं मॉडिफाइड होके जो स्ट्रक्चर बना है फ्लावर का वो राइट सो फ्लावर स्ट्रक्चर देखेंगे सो so, फ्लावर राइट देखो अच्छे से अब देखो प्राइमरिया डेवलप होके क्या हुआ एक स्ट्रक्चर फॉर्म जैसे हम बोलते फ्लावर तो यहां पे एक पहला स्ट्रक्चर होगा जिसे हम कहेंगे Receptacle, क्या कहेंगे receptacle. या फिर इसे इसे हम हम क्या thalamus भी कहते कहते हैं 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 एक structure हमें नजर आता है जिसे हम कहते है जिसे और receptacle, right? अब ये जो thalamus का है, ये जो का बोलते ठीक है इसे. Condensed node है राइट right? तो वहां से बना है thalamus, right? तो उसे रिसेप्टल भी बोलेंगे अभी यहां पे जो दिख रहा है इसे हम बोलेंगे पेडिसेल राइट पेडिसल्स पेडिसेल जो जिस फ्लावर में पेडिसल होती है उसे हम पेडिसलेट बोलते हैं अब जिसमें नहीं होती, उसमें हम उसको हम ससाइल बोलते हैं ठीक है अब ये हम हाँ, जब मॉर्फोलॉजी की बात करेंगे तब हम उसको डिटेल में देखेंगे ठीक है मॉर्फोलॉजी में राइट तो देखो यहाँ पे पेडिसल और उसके बाद पहला स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे देखेगा आ, लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा कुछ क्योंकि ये देखो ऐसे सेपल्स दिखेंगे ठीक है अब ये जो सेपल्स से है बेटा राइट ये एक्चुअली हमें लिफ का मॉडिफिकेशन लगता है ठीक तो है ना लिफ का मॉडिफिकेशन तो इसे हम बोलते हैं कैलिक्स क्या तो ग्रुप ऑफ सेपल्स रहेंगे ना बहुत सारे सेपल्स रहेंगे ठीक है तो उसे हम कहेंगे कैलिक्स अब उसके बाद आगे आएंगे तो यहाँ पे कुछ ऐसे कलरफुल हमें क्या दिखेंगे कलरफुल दिखेंगे हमें इस प्रकार ठीक है इस प्रकार हमें देखेंगे कलरफुल इस प्रकार कुछ इस प्रकार हमें कलरफुल पेटल्स दिखेंगे जिसे हम बोलते हैं पेटल्स राइट क्या देखे क्या देखेंगे इससे देखो नजर आ रहा है ठीक है इसको कलरफुल बनाते हैं और भी ठीक है ठीक है तो ये कुछ इस तरह से हमें दिखेंगे तो इसे हम बोलते हैं पेटल्स अब ये जो पेटल है ये पेटल्स अब ये पेटल जो इसे हम बोलते हैं कोरोला क्या बोलते हैं कोरोला कोरोला माने ग्रुप ऑफ पेटल्स तो पेटल्स के ग्रुप को क्या बोलेंगे हम कलेक्टिवली हम कोरोला बोलेंगे अब देखो ये जो पेटल्स है ठीक है ये पेटल कुछ हमें लीफ का ही मॉडिफिकेशन लगता है लीफ ही मॉडिफाई होके पेटल्स बने हैं क्या राइट right? लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो मैंने आपको पहले प्राइमर ऑडिया में समझाया है किस प्रकार पेटल्स भी डेवलप हुए हैं ठीक है तो यहाँ पे दो पार्ट ये दो मैंने बताया इसे बोलते हैं एसेसरी वर्ल क्या बोलते हैं एसेसरी वर्ल तो इन दोनों को हम क्या बोलेंगे एसेसरी वर्ल क्या बोलेंगे एसेसरी वर्ल जो सिर्फ प्रोटेक्शन का काम करेंगे अब दो और भी रह गए जिसको हम बोलते हैं इसेंशियल वर्ड और इसेंशियल ऑर्गन ठीक है तो यहां पे हम देखेंगे यहां से आएंगे यहां पे ये रहता है और यहां से एक स्ट्रक्चर निकलता है जिसे हम बोलते हैं क्या बोलते हैं जिसे हम बोलते हैं स्टेमिन क्या बोलते हैं स्टेमिन और एक स्ट्रक्चर यहां से निकलेगा जिससे हम कहेंगे कार्पेल ठीक है क्या कहेंगे कार्पेल सो so, कार्पेल जो है ठीक है तो ग्रुप ऑफ कार्पेल रहेंगे तो उसे हम बोलेंगे गाइनोशिया, ठीक है स्टेमिन एक यूनिट है इसका एंड्रोशियम का तो एंड्रोशियम भी बोलते हैं इससे क्या बोलते हैं एंड्रोशियम अब इसकी और एक बात है इसे बहुत सारे नाम से जाना भी जाता है जैसे कि आ, कार्पेल है तो कार्पेल को हम क्या बोलते हैं और भी फीमेल रिप्रोडक्टिव हर्ल बोलते हैं ठीक है फीमेल रिप्रोडक्टिव हर्ल और भी इसको नाम है जैसे हम पिस्टिल बोलते हैं पिस्टिल ठीक है या फिर हम इसे क्या आप कहेंगे गाइनोशियम है कार्पेल है राइट पिस्टिल है फीमेल रिप्रोडक्टिव हर्ल है भी बोलते हैं सॉरी मेगास्पोरोफिल क्या बोलते हैं मेगास्पोरोफिल और इसे हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोफिल ठीक है माइक्रोस्पोरोफिल अब ये जो दोनों हैं ये दोनों कैसे अभी मैंने आपको बताया ये जो वर्ल्स होता है ये बहुत जरूरी आपको समझना तो मैंने कहां से शुरुआत की थी थैलमस से ठीक है पेडिसेल है थैलमस है ये दोनों दिख रहे हैं ये इसको हम सिपल्स बोलेंगे दिस इज वॉट पेटल्स राइट अब इसमें जो मैंने दो बताया एसेसरी uh, कौन से है एसेसरी में क्या आते हैं पेटल्स एंड सेपल्स ठीक है uh, seples, ये एसेसरी है प्रोटेक्शन के लिए और ये दोनों जो है इसे हम क्या कहेंगे इसेंशियल uh, क्या कहेंगे इसेंशियल तो इसेंशियल में मोस्टली क्या है इसेंशियल में कार्पिल कार्पिल एंड स्टेमिन ठीक है ये शियल ऑर्गन है ठीक है तो इस तरह से आपको समझना है अब देखो ये पूरा है एक स्ट्रक्चर हुआ फ्लावर का ठीक है ये फ्लावर का स्ट्रक्चर हुआ अब इसको हम क्या कहेंगे ये जो है स्टेमिन जो है ये दो जो स्ट्रक्चर है कार्पेल एंड स्टेमिन तो स्टेमिन किस कौन सा पार्ट है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ठीक है क्या है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और ऑर्गन तो ये मेल के लिए है और ये फीमेल के लिए अब हम इसकी और भी जाके आगे डिफरेंशियट करेंगे इसको और बातें करेंगे आगे ठीक है तो क्या है चीजें हम आगे देखते हैं और भी ठीक है अब देखते हैं इसेंशियल ऑर्गन राइट जो रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी होता है इसेंशियल ऑर्गन कहे या फिर वर्ल कहे इसल वर्ल ठीक है ठीक है तो इसमें क्या है स्टैमिन एंड कार्पेल राइट तो देखते हैं स्टेमिन स्टेमिन क्या होता है स्टेमिन जो इसे हम बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और वर् ओके अब ये जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है इसको हम देखेंगे तो ये कुछ इस प्रकार दिखता है हमें ये जो स्ट्रक्चर है इसे बोलते हैं हम एंथर राइट क्या बोलते हैं एंथर और इससे एक ऐसा कनेक्ट होता है पार्ट जिसे एक स्ट्रक्चर है फिलामेंट जिसे हम बोलते हैं फिलामेंट राइट राइट यहाँ पे जो एंड है तो इस एंड को बोलेंगे हम प्रोक्सिमल एंड क्योंकि जहां से ओरिजिन होता है स्टेमिन का यहां से बन बनेगा यहां से बनकर निकला होगा ना ये पूरा ठीक है शुरुआत यहाँ से हुई हुई है तो इसे हम बोलेंगे प्रोक्सिमल एंड और ये है डिस्टल एंड ठीक है और इसमें होता है कनेक्टिव जो स्टराइल टिश्यू है तो अगर थोड़ा सा इसे हम देखेंगे तो कनेक्टिव को किस प्रकार देख सकते हैं समझो यही है स्टेमिन तो ये जो है यहाँ पे इस प्रकार कुछ ऐसा टिश्यू होगी जिसे हम कनेक्टिव बोलेंगे तो ये जो कनेक्टिव होगा इसे हम स्टराइल टिश्यू बोलते हैं स्टराइल टिश्यू ठीक है बेटा देखो अब यहाँ पे ये यह जो लोब नजर आते हैं हम कितने लोब है टू लोब स्ट्रक्चर नजर आता है तो इसे हम आ, क्या कहेंगे बायोलोब अब जो बायोलोब एंथर होते हैं उसमें स्ट्रक्चर हमें नजर आता है देखो दो प्रकार के स्टेमिन होते हैं एक मोनोथिकस दिख रहा है यहाँ पे ठीक है दिख रहा है दो प्रकार के स्टेमिन होते हैं मोनोथिकस एंड दूसरे दूसरे जो होते हैं डाय थिकस थिका माने थीका माने चेम्बर ठीक है मोनो मोनोमिन सिंगल वहां पे क्या होगा सिंगल बाय डायमंड है या फिर बाय लेबिट जो यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा है लोब यानी दो लोब है अगर इसकी हम बात करते हैं राइट तो बाय लोब में दो लोब है तो दो लोब समझो ये एंथर है राइट ये एंथर है अब इसके दो लोब है इसको हम फर्स्ट लोब बोलेंगे और ये जो है इसको हम सेकेंड लोब बोलेंगे राइट अब इसको अगर हम इसका सेक्शन लेंगे इसका सेक्शन लेंगे तो सेक्शन लेने के बाद ठीक है अगर हम इसका सेक्शन लेते हैं तो सेक्शन लेने के बाद हमें ये किस प्रकार दिखाई देगा आ, कुछ इस प्रकार राइट देखो ठीक है सेक्शन देने के बाद अब इसका आगे का स्ट्रक्चर टीएसएफ एंथर है वो हम आगे देखेंगे आ, डिटेल में राइट अब देखो हम कुछ एंथर के टाइप्स के बारे में बात करते हैं बहुत सारे टाइप्स के एंथर होते हैं राइट यहाँ पे थोड़ा सा मैं रफ कर देता हूँ प्रॉक्सिमल तो टाइप्स की अगर बात करें तो हमें पहले तो यहाँ पे समझो यहाँ पे एक कुछ एंथर है इस प्रकार अगर फिलामेंट इसको इसके बेस में अटैच होगा तो इस प्रकार के एंथर को बोलते हैं हम बेसिफिक्स्ड क्या बोलते हैं बेसिफिक्स्ड एंथर क्योंकि फिलामेंट जो अटैच है वो बेस को अटैच है राइट इफ द तो फिलामेंट अटैचेस टू द देखो यहां पे ये एक एंथर है अगर यहां पे जो फिलामेंट है डॉर्सल साइड में अटैच रहेगा डॉर्सल साइड राइट देखो, देखो, देखो ये कनेक्टिव है ठीक है ना यहां पे, ये कनेक्शन है यहां पे, तो कनेक्टिव पे है, पे, अटैच है कहा बात करें हम तो यहां पे अटैच है या फिलेमेंट कहाँ पे अटैच है इस डॉर्सल साइड में किसके एंथर के राइट उसके बाद आता है कुछ इस प्रकार अगर इस प्रकार समझो ये एंथर है ठीक है और इसमें ये पूरा इस प्रकार पूरा ऐसा अटैच है ठीक है पूरा अटैच है तो इसे बोलते हैं एडिनेट क्या एडिनेट ठीक है और एक टाइप का एंथर होता है ठीक है और एक टाइप का एंथर होता है हम देखते हैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं रब कर देता हूं आपको दिखने के लिए जरूरी है इस प्रकार एक एंथर नजर आता है ठीक है और ये जो एंथर होता है बेटा जिसमें कुछ ऐसा हैंगिंग लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है तो ये जो एंथर होता है इसको हम वर्सटाइल बोलते हैं वर्सटाइल एंथर आपने मेज में देखा होगा ठीक है मेज जो प्लांट होता है उसमें मोस्टली ऐसे एंथर होते हैं क्योंकि वहां पे क्या होता है वो पॉलिनेटेड है तो जैसे भी जैसे भी आ, जो हवा होती है वो अगर मोस्टली पास होती है तो ये, एंथर के जो है एंथर होते ये आ, हमने के टाइप्स भी देखे तो आ, कैसा पर्टिकुलर जो स्ट्रक्चर होता है कहाँ पे फिलामेंट अटैच होता है उसके ऊपर इसके टाइप्स है तो यह है बेसिफिक्स बेस को अटैच है राइट right? यह है डॉर्सिफिक्स फिल्मेंट अटैच टू द डॉसिल ऑफ सॉरी एंथर एंड देयर हेयर यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे पूरा ऐसा अटैच है पूरे तरीके से राइट तो इसे हम एडीनेट बोलेंगे और इसे हम वर्सेटाइल बोलेंगे राइट तो इस प्रकार जो है ये स्टेमिन uh, के एंथर होते हैं जिसमें होता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस तो इसमें क्या होगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होगा तो ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है तो इसकी भी बात हम करेंगे आगे ठीक है इसकी भी बात हम करेंगे आगे तो अब हम नेक्स्ट के वीडियो में देखेंगे टीएस ऑफ एंथर तो अभी कार्पेल को देखना तो कार्पेल को हम जब मेगास्पोरोजेनेसिस देखेंगे तब के टाइम हम कार्पेल को भी देखेंगे राइट ठीक है तो इसके भी, आज के इस वीडियो में बस इतना ही हमने क्या क्या देखा हमने आ, फ्लावर के स्ट्रक्चर को देखा पूरा मॉडिफाइड रिप्रोडक्टिव शूट कैसा है हमने देखा अब आप, आपको समझ में आ रहा होगा कि फ्लावर मॉडिफाइड कंडेंस्ड एंड रिप्रोडक्टिव शूट क्यों है ठीक है किस तरह से मॉडिफिकेशन होते हैं उसके बाद वो कंडेंस होता है और नोड नोड जो है वो कंडेंस होके वहां पे फ्लावर बनाए हैं और उसके बाद रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन के लिए भी क्या होता है ये जरूरी होता है कौन से है स्टेमिन एंड ठीक है तो आगे का जो जो पार्ट है आगे बहुत सारा पार्ट हम देखेंगे एंथर में टीएस ऑफ एंथर So, तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें लाइक करें कमेंट करें और तब तक के लिए धन्यवाद